खबर जनपद रुद्रप्रयाग से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस आईटीबीपी और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमों द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से कराए जाने को लेकर केदारनाथ तिराहा से गुलाबराय मैदान तक फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं इस फ्लैग मार्च को लेकर पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिडियाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य को लेकर पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही आम जनमानस को भरोसा दिलाने के लिए पुलिस हर समय तैयार है। वहीं फ्लैग मार्च के बाद सभी सुरक्षा बलों को शत प्रतिशत मतदान व्यवस्था बनाने की शपथ भी दिलाई गई। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। और हमारा जो पुलिस प्रशासन का एक उद्देश्य होता है कि फ्री एंड फेयर हमारा चुनाव हो, किसी तरह से कोई गड़बड़ी न हो, तो इसके माध्यम से हम जब पैरा मिलिट्री फोर्स हमारे पहले आ जाता है तो उसके माध्यम से हम फ्लैग मार्च करते हैं, लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आप लोग निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग करें। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग 1,94,500 कुछ करके जो है आपके मतदाता हैं, और इसी तरह से यहाँ पर महिलाओं की भी जो है मतदाता पुरुषों से ज़्यादा हैं, और 365 हमारे पास जो मतदेय स्थल हैं उन पे हमारे जो पुलिस प्रशासन लगता है और जिस प्रकार से व्यवस्था होती है वो लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। बस हमारा है केवल लोगों को ये आश्वासन देना है कि आप लोग अपने मत का प्रयोग बहुत स्वतंत्र होकर के और निष्पक्ष होकर के निर्भीक होकर करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उससे संबंधित आज फ्लैग मार्च निकाला गया, जो कि पुलिस के अधीन कराया गया, जिसमें हमारे सीओ स्टेट पुलिस के घंडियाल साहब शामिल थे तथा हमारे आईटीबीपी के जवान शामिल थे तथा सभी ने अपना बेहतर दिया तथा सभी लोगों से गुजारिश है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में आने की कृपा करें, और हम भी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव हो। और वैसे तो हमें पता ही है कि मैं खुद उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो यहाँ की जनता वैसे ही बहुत ही अच्छी है, शरीफ है और डिसिप्लिन मेंटेन करती है, और इसके लिए सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक चुनाव के लिए, और सभी अपना पूरा पूरा चुनाव दें।